नतीजे के हिसाब से ही अब ये देश आगे बढ़ेगा। चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इस देश को, इस देश के संविधान को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी रहेगी। नमस्कार, आदाब, आइए बात करते हैं लोकसभा चुनाव 2024 की। इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो लोकसभा का नतीजा आने में करीब करीब 12 घंटा बाकी है। 4 जून 2024 को पूरे देश के नतीजे एक साथ थोड़ा सा आगे पीछे आ जाएंगे। केंद्र में बैठी सरकार, जिसे लोग नरेंद्र मोदी या अमित शाह की सरकार कहते हैं, आने वाले 100 दिनों की अपनी प्लानिंग कर रही है कि हमें अब आने वाले 100 दिनों में क्या क्या काम करना है। तो नतीजा साफ है, केंद्र में सत्ता भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार होगी और आने वाले दिनों में यानी 12 घंटे के बाद जो नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले हो सकते हैं। बहरहाल, लोकसभा का ये चुनाव विश्व के एक बड़े लोकतंत्र का रास्ता साफ करेगा आने वाले दिनों के लिए कि अब भारतीय लोकतंत्र में लोग कैसे रहेंगे, कैसे काम करेंगे, उद्योग जगत में जो लोग हैं और ताकतवर होंगे या कमजोर होंगे, जनता की क्या हाल होगी, महंगाई की क्या हाल होगी, सब 4 जून के बाद धीरे धीरे जनता के सामने आएगा। मीडिया की जो खबरें आ रही हैं, सरकार की जो तैयारियां चल रही हैं, उससे एकदम साफ है कि एक बार फिर मोदी सरकार। हालांकि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इसमें बदलाव होने की कुछ संभावनाएं भी नजर आ रही हैं। बहरहाल, आइए बात करते हैं भिवंडी लोकसभा 23 की। भिवंडी लोकसभा 23, भिवंडी शहर, मुरबाड़, कल्याण का कुछ हिस्सा, ग्रामीण क्षेत्रों का कई हिस्सा इसमें आता है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल की। कपिल मोरेश्वर पाटिल 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनकर आए हैं और दूसरी बार में पंचायत राज मंत्री का दर्जा भी उन्हें मिला है। ये ठाणे जिले के लिए एक गौरव की बात है। ये और बात है कि कपिल मोरेश्वर पाटिल ने इन 10 सालों में भिवंडी शहर को भूलकर दूसरे क्षेत्रों में काम किया। बहरहाल, तीसरी बार वो मैदान में है और जहां तक उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उसके तहत उम्मीद है कि तीसरी बार भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकते हैं। बहरहाल, नतीजा 4 जून को दोपहर 12 बजे के बाद तक सामने आ जाएगा और जनता अपने अपने हिसाब से चर्चा भी करेगी। बहरहाल, दूसरे उम्मीदवार इंडिया अलायंस के सुरेश महात्रे उर्फ बाले मामा, जिनका भिवंडी शहर में मामा के नाम से ही चर्चा है और मामा के भांजे भांजियों ने बड़ी मेहनत से इसमें काम भी किया है। भिवंडी शहर में अगर आप किसी से ये कहें कि दूसरा उम्मीदवार जीत रहा है तो कोई मानने को तैयार नहीं है, मगर भिवंडी शहर की वोटिंग का जो परसेंटेज है वो कम है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बाले मामा ने कितना परसेंट वोट लिया है, क्योंकि ग्रामीण में भी 3 बड़े उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट मोच दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदोस परफ्यूमर्स, बागे फिरदोस मस्जिद के पास, 4 निजामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर। और ताकतवर उम्मीदवार सामने रहे हैं, कपिल मोरेश्वर पाटिल, खुद बाले मामा और तीसरे उम्मीदवार नीलेश सांबरे। बहरहाल, आने वाले दिनों में इन 3 बड़े उम्मीदवारों में 2 की सियासी मौत होनी है। सियासी मौत का मतलब आप समझ जाइए, कपिल मोरेश्वर पाटिल और बाले मामा दोनों को अगर मिला दिया जाए इनके सामाजिक कामों को, तो भी नीलेश सांबरे का सामाजिक काम बहुत है। और इन्हीं सामाजिक कामों को देखते हुए, इन्हीं सामाजिक कामों के बलबूते पर नीलेश सांबरे लोकसभा की उम्मीदवारी की हैसियत से सामने आए थे।
एक बड़ा सवाल है। नीलेश सांबरे के सामाजिक कार्यों को देखते हुए अगर जनता ने उन्हें नकार दिया तो एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति की सियासी मौत हो जाएगी। बहरहाल बाले मामा का कोई सामाजिक काम तो मैंने तो नहीं देखा, अगर आप लोगों ने देखा होगा जरूर बताइएगा। कपिल मोरेश्वर पाटिल ने तो भिवंडी शहर को ही छोड़ दिया था। तो ये तीन ताकतवर उम्मीदवार आपके सामने है, आपने अपना मत भी दे दिया है, मत बंद है पेटियों के अंदर, और कल सवेरे यानी 4 जून 2024 को सवेरे 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी भिवंडी शहर से लगकर ग्रामीण क्षेत्र में। मैं सभी उम्मीदवारों को जीतने की शुभकामनाएं देता हूं, मगर जीत तो सिर्फ एक की होनी है। अब देखिए अब से 12 घंटे के बाद क्या नतीजे सामने आते हैं और विश्व के एक बड़े लोकतंत्र का नतीजा जो सामने आएगा, नतीजे के हिसाब से ही अब ये देश आगे बढ़ेगा। चाहे महंगाई बढ़ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर इस देश को, इस देश के संविधान को बचाए रखना हम सब की जिम्मेदारी रहेगी। मैं खान फखरे आलम।